मूवी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं, जहां एक घर में पुलिस वाले कुछ डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को बेसमेंट के अंदर दफन एक यंग लड़की की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस घर में पुलिस वालों को जितनी भी डेड बॉडीज मिली थी उन सबके शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और वह सब के सब इसी घर में रहते थे। लेकिन पुलिस वालों को बेसमेंट में जो यंग लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसके शरीर पर तो एक भी चोटों के निशान नहीं था और वह लड़की इस घर में रहती भी नहीं थी। अब पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए पुलिस वाले खुद ही उसका नाम जेन डो रख देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़का आस्तीन और उसके पिता टॉमी को देखते हैं, जो कि दोनों एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। और ये काम असल में उन दोनों बाप बेटे का प्रोफेशन था। उनकी फैमिली में सभी लोग पिछले काफी अरसे से यही काम करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही पोस्टमार्टम रूम बनाया हुआ था। फिर पोस्टमार्टम खत्म होने के कुछ समय बाद आस्तीन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और ये दोनों आज मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले आस्तीन की गर्लफ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद करती है। तब आस्तीन के पिता उसे एक डेड बॉडी को चूज करने के लिए कहते हैं। तभी वह एक डेड बॉडी को चूज करती है और हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पैर में एक छोटी सी बेल बांधी गई है। तभी ये देखकर आस्तीन की गर्लफ्रेंड उनसे इस बेल के बारे में पूछती है, जिस पर आस्तीन के पिता उसे बताते हैं कि पुराने समय में लोग ये समझ नहीं पाते थे कि लोग मारे गए हैं या नहीं, तो इसीलिए वह लोग इस बात का पता लगाने के लिए उस इंसान के पैर में ये छोटा बेल बांध देते थे, ताकि अगर वह इंसान थोड़ा सा भी हिलेगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वह जिंदा है। अब इस तरीके को आस्तीन के पिता आज भी इस्तेमाल करते हैं। अब आस्तीन और उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही वहां से जाने वाले होते हैं, तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर जेन डो की डेड बॉडी लेकर आ जाता है और आस्तीन के पिता को कहता है कि उन्हें इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह किसी भी तरह अर्जेंट चाहिए। तब ये सुनकर आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने पिता की मदद करनी है, इसलिए अगले दिन हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। इस तरह आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड को समझाकर वहां से भेज देता है। उसके बाद वह दोनों जेन डो के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वह दोनों जेन डो के पोस्टमार्टम करते समय काफी हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि जेन डो की हाथों की कलाई और पैर के टखनों की हड्डियां टूटी हुई थी और साथ ही उसकी जीभ और एक दांत गायब थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसके बॉडी पर एक भी चोटों के निशान नहीं थे। अब और जानने के लिए टॉमी उसके बॉडी को काटने लगते हैं। तब वह देखते हैं कि जेन डो के लंग्स बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। इसके अलावा कुछ और इंटरनल पार्ट्स भी जले हुए थे और उनमें कट्स के निशान भी थे, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब वह दोनों ये समझ नहीं पाते हैं कि उसके बॉडी की इंटरनल पार्ट्स इतने खराब कैसे हो सकते हैं, और उसकी बॉडी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसकी मौत हाल ही में हुई है। लेकिन आस्तीन के पिता देखते हैं कि उसकी आंखें तो ग्रीन कलर के हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत तो बहुत समय पहले ही हो चुकी है। फिर कुछ और एग्जामिन करने पर उसके पेट के अंदर एक फ्लावर भी मिलता है, जिससे किसी की भी बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज किया जा सकता है। इसी दौरान आस्तीन के पिता को हॉल में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब आस्तीन के पिता उस आवाज का पीछा करते हुए हॉल में जाते हैं तो उन्हें अपनी बिल्ली वहां पर मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से आस्तीन के पिता काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्ली उनके फैमिली की एक हिस्सा थी। जिसके बाद आस्तीन अपने पिता को बार बार यही कह रहा था कि आज हम इसके पोस्टमार्टम को यही रोक देते हैं और बाकी का कल कर लेंगे, लेकिन आस्तीन के पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते और वह जेन डो के पोस्टमार्टम दोबारा करने लगते हैं। इसी दौरान उसके पेट के अंदर से उन्हें एक कपड़ा मिलता है जिसमें जेन डो का मिसिंग दांत लिपटा हुआ था। तब ये देखकर दोनों बाप बेटा काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी के भी दांत को निकालकर एक कपड़े में बांधकर उसी को खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। फिर वह दोनों जेन डो के स्किन को काटकर अलग कर देते हैं। तब वह देखते हैं कि जेन डो के स्किन के अंदर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था और साथ ही कुछ लिखा भी हुआ था। अब इसी दौरान वहां की सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है, और जब आस्तीन टॉर्च जलाता है तब वह दोनों देखते हैं कि फ्रीजर में जितने भी डेड बॉडीज थे वह सभी वहां से गायब है।
फिर तभी एक अनजान शक्ति आस्तीन के पिता पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आस्तीन के पिता काफी जख्मी हो जाते हैं। तो इसीलिए वह दोनों बाप बेटे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि उनका लिफ्ट काम नहीं कर रहा है और साथ ही मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था और बेसमेंट से बाहर जाने का दरवाजा भी जाम हो गया था। अब ये देखकर वह दोनों समझ जाते हैं कि ये सब ज़ेन डो के बॉडी को यहाँ लाने से ही हो रहा है। इसीलिए आस्तीन के पिता ज़ेन डो के बॉडी को आग लगा देते हैं ताकि ये सभी परेशानी खत्म हो जाएं। लेकिन वह आग पूरे रूम में फैल जाती है जिससे वह पूरा रूम जलने लगता है। तब आस्तीन फायर स्ट्रिंग से आग बुझा देता है। फिर आग बुझाने के बाद वह दोनों देखते हैं कि ज़ेन डो की डेड बॉडी आग में जलने के बाद भी वैसी की वैसी ही थी। तब यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी दौरान लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए दोनों जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन अब लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था और तभी उन्हें वहीं छोटी सी बैल बजने की आवाज सुनाई देती है जो उस डेड बॉडी के पैर में लगी हुई थी। अब उस घंटी की आवाज सुनकर आस्तीन के पिता एक कुल्हाड़ी उस आवाज की तरफ फेंकते हैं, जिससे वह आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जब आस्तीन चेक करने के लिए बाहर आता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को वहां पर पाता है, यानी बेल की आवाज सुनकर आस्तीन के पिता ने जिसको कुल्हाड़ी फेंक कर मारी थी वह दरअसल आस्तीन के गर्लफ्रेंड को लग गई थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वह दरअसल आस्तीन को मूवी देखने के लिए वहां पर लेने आई थी। अब आस्तीन अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर काफी रोने लगता है। तब आस्तीन के पिता उसे किसी तरह संभालते हैं और उसके बाद वह दोनों फिर से पोस्टमार्टम रूम में आ जाते हैं ताकि वह ज़ेन डो के बारे में और भी ज्यादा जान सकें। उसके बाद आस्तीन के पिता ज़ेन डो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ज़ेन डो के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव है। हालांकि इंसान के मरने के बाद उसका ब्रेन सेल्स भी अन एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़ेन डो का दिमाग अभी भी जिंदा है। उसके बाद आस्तीन के पिता ज़ेन डो के पेट से निकले हुए उस कपड़े को एग्जामिन करते हैं। तब वह देखते हैं कि उस कपड़े में रोमन लैंग्वेज में 20x2016 सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ था। तब आस्तीन के पिता 20x2016 सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ एक किताब निकालते हैं, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि 16 सेंचुरी में लड़कियों पर आरोप लगाया जाता था कि वह विच हैं, जिसकी वजह से उन्हें अजीब तरह से टॉर्चर करके बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। और इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी लड़कियां मारी गई थी उनमें से कोई भी विच नहीं थी, बल्कि वह सब मासूम लड़कियां थी। तब ये देखकर वह दोनों समझ जाते हैं कि ज़ेन डो की मौत हाल ही में नहीं हुई थी बल्कि 16 सेंचुरी में हुई थी और तभी से अब तक उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव है और इसी वजह से उसकी बॉडी अभी तक ऐसे ही ताजा हालत में है। और साथ ही आस्तीन के पिता बताते हैं कि जो कुछ भी ज़ेन डो के साथ हुआ वह उनके साथ भी करना चाहती है ताकि वह भी इस दर्द का एहसास कर सकें। और उन्होंने जो उसका पोस्टमार्टम किया था वह इस दर्द को भी महसूस कर पा रही थी और इसी वजह से ज़ेन डो अब उनसे बदला ले रही है। अब ये सारी बातें समझने के बाद आस्तीन के पिता ज़ेन डो के डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो और मेरे बेटे को जाने दो। अब ऐसा कहते ही आस्तीन के पिता की कलाई और पैरों की हड्डियां टूटने लगती है और उनकी बॉडी अंदर से जलने लगती है। अब क्योंकि आस्तीन के पिता को ये दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वह आस्तीन को कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब ये देखकर आस्तीन रोने लगता है और ना चाहते हुए भी अपने पिता को इस दर्द से छुटकारा देने के लिए एक चाकू से उनकी जान ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि आस्तीन के पिता मरते ही ज़ेन डो की बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसके बाद आस्तीन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और बेसमेंट में आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पिता की डेड बॉडी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे वह डरकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले दिन पुलिस वाले ज़ेन डो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए वहां पर आती है, लेकिन उन्हें यहां पर आस्तीन, आस्तीन के पिता और उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है।
लेकिन ज़ेन डो की डेड बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी पोस्टमार्टम अभी तक स्टार्ट हुई ही नहीं थी। अब ये देखकर पुलिस ऑफिसर्स काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्राइम सीन पिछले घर में भी हुआ था जहां ज़ेन डो की बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस वाले फिर से ज़ेन डो के बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए दूसरी जगह भेजते हैं और आखिर में उसकी बॉडी को ले जाते हुए हम ज़ेन डो के पैर को हिलते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।